मैं वंदना जोशी आज आपको बताऊंगी कि मसाला चाय कैसे बनाई जाती है। ये ठंड में मसाला चाय बहुत लाभदायक रहती है। मसाला चाय बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो यहाँ मौजूद है। ये इलायची पाउडर है और ये लौंग है और ये अदरक है और ये तुलसी है जो हमने थोड़ी ताजी तोड़ के रखी है और ये जावित्री है, इसको जावित्री बोलते हैं, बाजार में मिल जाती है। ये गुड़ है और ये काली मिर्च पाउडर है और ये केसर है और ये जो है ये दालचीनी है, ये साबुत दालचीनी। अगर आपके घर में हो तो इसको आप कूट के भी डाल सकते हैं, वरना ये दालचीनी पाउडर ये बाजार में मिल जाता है। अब सबसे पहले हम इसमें, ये तपेली है, इसमें हम 2 कप पानी चढ़ाएंगे। ये 2 कप पानी हमने डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन कर रहे हैं। अब 2 कप पानी चढ़ा के फिर इसमें ये जो सब सामग्री है वो हम अभी से ही डाल देंगे, तो ये इसको खोलने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं और ये जो जावित्री है इसको हम थोड़ा सा ऐसे मसल के, ये तो हाथ से ही मसला जाती है, ये ऐसा पाउडर हो जाता है, ये हमने डाल दी है। और ये हमने, ये तुलसी हमने डाल दी है इसमें और ये अदरक है, जो ये अदरक हम पूरा डाल रहे हैं। अदरक नहीं हो तो आप सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये 2 लौंग हम इसमें डाल रहे हैं और ये 1 चुटकी हम दालचीनी पाउडर डाल रहे हैं। इसमें हम ये काली मिर्ची पाउडर डाल दिया हमने इसमें और अब ये जो केसर है, ये केसर है, इसमें हम 3-4 पत्ती ये केसर की हमने डाल दी है। अब इसको हम ढक देंगे थोड़ी सी देर और ढक के इसको जब ये खोलने लगेगा इसके बाद हम गुड़ डालेंगे इसमें। हमें इसको इतना उबालना है कि ये 1/4 कप रह जाए और इसमें 1 चम्मच हम चाय की पत्ती भी डाल रहे हैं। अब ये पानी उबल रहा है, तब तक हमने ये दूध गर्म करने को रख दिया है। जब दूध पूरा उबल जाएगा तो हम इस गैस को बंद कर देंगे। और अगर कोई चाहे बिना दूध की चाय पीना, ब्लैक टी, तो उसमें दूध ना डालें और ऐसे ही ब्लैक टी पी सकते हैं छान के गुड़ डाल के। ये हमारी मसाला चाय का पानी उबल रहा है, अब हम इसमें ये 2 चम्मच गुड़ डाल रहे हैं। अब ये गुड़ घुल जाएगा पूरी तरह से। अब ये चाय का पानी हमारा अच्छे से उबल गया है, ये 2 कप का 1/4 कप रह गया है। अब इसमें हम 1/2 कप दूध डालेंगे। अब हम गैस बंद कर रहे हैं और अब इसको दूध डाल के और इसको ढक के रख देंगे। ये मसाला चाय है जो बहुत लाभदायक है, इसको सप्ताह में सर्दियों में 1 बार जरूर पीना चाहिए। इससे सर्दी, खांसी और बुखार के लिए बहुत लाभदायक है और पाचन के लिए भी अच्छी होती है ये चाय। हमने इसको ढक के रख दिया है। अब ये हमारी 2 कप मसाला चाय तैयार है। अब इसको हम इसमें कप में, ये पूरी 2 कप चाय हमारी तैयार हो गई है। और गुड़ को इसको बाद में डालना चाहिए, नहीं तो ये चाय फट जाती है। अगर आपको मेरा ये चाय, मसाला चाय का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।